बीजेपी कांग्रेस बना रही भीतरघातियों की कुंडली। 3 दिसंबर को नतीजों के बाद होगा एक्शन। कांग्रेस कई नेताओं पर कर चुकी कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब 6 दिन बचे हैं। 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है। चूंकि इस चुनाव में 2018 के मुकाबले करीब 1.5% वोटिंग ही बढ़ी है, ऐसे में प्रदेश में अगली सरकार किस दल की बनेगी इसे लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं कर पा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस हार जीत को लेकर गुणा भाग में जुटे हैं। साथ ही भीतरघातियों की कुंडली भी तैयार की जा रही है, जिन्होंने इस चुनाव में दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। इस चुनाव में दोनों दलों को बागियों से ज्यादा भीतरघात से ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि दोनों ही दल ये बताने से बचते नजर आए कि उनके पास ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं। दोनों ही पार्टी संगठनों के पास अपने प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वाले नेताओं की शिकायतें पहुंची हैं। ऐसी संभावना है कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद भीतरघात करने वाले नेताओं पर एक्शन शुरू हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने भीतरघात की पुष्टि होने के बाद कार्यवाही शुरू कर दी है। बीजेपी में मंत्री और विधायक आमने सामने। 17 नवंबर को मतदान के बाद कृषि मंत्री और हरदा से बीजेपी प्रत्याशी कमल पटेल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। वीडियो में ये वे कहते सुनाई दे रहे हैं कि सारे विरोधी एक हो गए। हमारा जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा, जिसको मैंने ही बनवाया, सुरेंद्र जैन गड़बड़ कर रहा था तो उसे बाहर कर दिया, लेकिन वो बाहर से ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया। 30 साल से पब्लिक हमको जानती है कि हम क्या हैं। कमल पटेल के इस वीडियो के सामने आने के बाद हरदा बीजेपी के जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा और टिमरनी से विधायक संजय शाह ने भोपाल पहुंचकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से शिकायत की। संजय शाह ने आरोप लगाया कि कमल पटेल ने उनके इलाके में उन्हें हराने के लिए विरोधियों से मिलकर काम किया। बीजेपी में यहां भी भीतरघात की शिकायतें। बुरहानपुर बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस ने बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों पर निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन सिंह चौहान के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और पार्टी संगठन से इसकी शिकायत की। सीधी बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक ने पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों को लेकर संगठन से शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पदाधिकारियों ने वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला के इशारे पर काम किया। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर सीट से बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल पांडे का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि वो कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी संगठन तक पहुंची। कांग्रेस में भी शिकायतों का लगा अंबार। कांग्रेस में भी भीतरघात के शिकायतों का अंबार लगा है। पार्टी ने इस पर एक्शन शुरू कर दिया है। शिकायतों के साथ दिए गए सबूतों का वेरिफिकेशन करने के बाद कांग्रेस ने कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। हालांकि सारे शिकायतों को एकत्रित कर अनुशासन समिति को भेजा जाएगा। शिकायतों के साथ बतौर सबूत दिए जा रहे हैं ऑडियो वीडियो, चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं और पदाधिकारियों के शिकायतों के साथ बतौर सबूत ऑडियो वीडियो भी पार्टी संगठन को दिए जा रहे हैं। शिकायतों की प्राइमरी जांच भी कराई जा रही है। क्रॉस चेकिंग के बाद जहां भीतरघात की पुष्टि हो रही है, वहां की रिपोर्ट बनाकर कमलनाथ के पास भेजी जा रही है। बीजेपी में भी कुछ ऐसी ही शिकायतें आ रही हैं। हालांकि बीजेपी सारी शिकायतों को अनुशासन समिति के पास ही निर्णय के लिए भेज रही है। 3 दिसंबर के बाद अनुशासन समिति की बैठक की तारीख तय होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।